पिछले कुछ दशकों से पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन एक उभरता हुआ व्यवसाय बन गया है। मुर्गियों के प्रजनन, खाद्य नियोजन और पालन पोषण में जो प्रगति हुई है, उससे मुर्गियों के हालचाल में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। आपके इस परिवर्तन में गोदरेज एग्रोवेट शुरू से ही आपका भरोसेमंद सहयोगी बन गया है। सही सलाह सुझाव देकर हर पल आपके व्यवसाय को बढ़ाने का मार्गदर्शन देता है, इस कड़ी धूप और गर्मी के मौसम में भी। ऐसा जो मौसम जिसमें ब्रॉयलर और लेयर अधिक तनाव में आते हैं, जो उनकी गतिविधि में बाधा लाते हैं, जैसे कि मुर्गियों में पसीने की ग्रंथि नहीं होने के कारण ये अन्य जानवरों की तरह शरीर व्यवस्था अनुसार गर्मी को कम नहीं कर सकती। मुर्गियां जब छोटी रहती हैं, गर्मी को थोड़ा बहुत सहन कर लेती हैं, पर जैसे ही वो बढ़ने लगती हैं, बदन की गर्मी से अधिक परेशानियां शुरू होती हैं, क्योंकि वो ज्यादा आहार खाती हैं, जिस वजह से चलन वलन के लिए लगने वाली ऊर्जा शक्ति 40% तक बढ़ती है। मतलब 60% ऊर्जा गर्मी के स्वरूप में निकलनी पड़ती है। यदि बाहर का तापमान थर्मोन्यूट्रल जोन से ज्यादा होगा, तो यही अतिरिक्त ऊर्जा शरीर के बाहर निकालना ही मुर्गी के लिए तनाव का कारण बन जाता है। शुरुआत में कोम्ब, शैंक और पंखों को फैलाकर गर्मी निकालने में निष्फल होते हैं, तब पैंटिंग शुरू हो जाती है। यह गंभीर परिस्थितियों में जानलेवा हो सकता है। इस गर्मी के बढ़ावे को कम करने के लिए ये मुर्गियां कम आहार लेते हैं, उसकी वजह से वजन प्राप्ति और वृद्धि कम होती है। जब वातावरण में तापमान थर्मोन्यूट्रल जोन से अधिक होता है, तो ठंडा होने के लिए मुर्गी इवेपोरेटिव हीट लॉस करते हैं, जैसे तेज सांस लेना। पीने का पानी अगर शरीर के तापमान से ठंडा ना हो, तो अपने शरीर को ठंडा करने के लिए मुर्गियों को बार बार पानी पीना पड़ता है। उस वजह से उन्हें बार बार पतली बीट होती है। तेज सांस लेना और पतली बीट, इन दोनों की वजह से फार्म में संबंधित आर्द्रता और बढ़ती है, जो मुर्गी में तनाव को और बढ़ाता है। ज्यादा पैंटिंग और पतली बीट की समस्या से एल्कोलोसिस, इलेक्ट्रोलाइट के प्रमाण में कमी या मौत भी हो सकती है। रिसर्च और कार्य क्षेत्र के अनुभव से गोदरेज एग्रोवेट लाया है गर्मी के तनाव में संभालने के कुछ प्रभावी उपाय। सबसे महत्वपूर्ण उपाय, गर्मी के दिनों में ज्यादा घनता वाले आहार दें। मुर्गियों का वजन 2 किलो पाने के लिए सर्वसाधारण आहार 3.6 से 3.8 किलो लगता है। उसकी तुलना में ज्यादा घनता वाले सुपरस्टार सिर्फ 3 किलो लगता है। इसका मतलब एक मुर्गी के पीछे 800 ग्राम तक की बचत होती है, जो खास ब्रॉयलर के वजन प्राप्ति और एक समान वृद्धि के लिए है। और खास लेयर के लिए पेश है क्रम चेक, क्रम ग्रो, क्रम एग, एगी। ये उत्पादन ANIC बैंगलोर की रिसर्च की देन है, जो देश के अत्याधुनिक प्लांट में उत्पादित होता है। मुर्गी का खाद्य सेवन बढ़ाने के लिए मैश के बदले क्रम और पेलेट फीड का इस्तेमाल करें। मुर्गियों को समय समय पर चलाने की वजह से खाद्य सेवन बढ़ता है, और उनके एक जगह पर बैठने की वजह से उनके नीचे फंसी हुई गर्मी से भी उन्हें छुटकारा मिलता है। मुर्गियों में गर्मी का तनाव कम होने के लिए उन्हें 6 घंटे से पहले खाना नहीं देना चाहिए। इसके कारण पाचन संस्था में आहार का प्रमाण कम होने के कारण शरीर के अंदर की गर्मी भी कम हो जाती है। ठंडा और ज्यादा पानी पीने की व्यवस्था करें। ठंडा पानी पिलाने से शरीर का तापमान कम होता है, जिसकी वजह से गर्मी के तनाव में भी कमी होती है, और पतली बीट से होने वाला गीला कूड़ा भी कम होता है। जब पीने के पानी का तापमान शरीर के तापमान से कम रहता है, तो वो शरीर की गर्मी को सोख लेता है। ठंडा पीने के पानी से शरीर का तापमान तो कम होता ही है, इसके साथ ही वो खाद्य सेवन को भी प्रोत्साहित करता है। साल 2000 में लेयर के ऊपर एक प्रयोग हुआ था। यह देखा गया कि जिस लेयर को शरीर के तापमान से ठंडा पानी मिलता है, वो गर्म पानी पीने वाले लेयर से ज्यादा आहार खाते हैं।
जब दिन में वातावरण का तापमान बढ़ता है तो टंकी में सुबह भरा हुआ पानी का तापमान भी बढ़ता है, इसलिए पानी की टंकी को छांव में रखें। टंकी में पानी कम रखें और समय समय पर ताजा पानी अपनी बोरिंग या कुएं से भरें। अगर टंकी को किसी वजह से छांव में नहीं रख सकते तो गीली बोरी या मोटे कपड़े से लपेटें। धूप में पाइप को आवरण चढ़ाएं ताकि तापमान ना बढ़े, या पाइप छांव में रखें। जब गर्मी का तनाव ज्यादा बढ़ता है तब टंकी में बर्फ डाल दें। काफी ड्रिंकर्स की व्यवस्था करें। काफी ड्रिंकर्स की व्यवस्था से चिक्स को पानी पीने के लिए कोई प्रयास ना करना पड़े। खुली हवा की व्यवस्था करें जिससे हवा खिलती रहेगी और जमा हुआ अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और अधिक नमी को कम करने में मदद मिलेगी। अगर जरूरत हो तो शक्ति बढ़ाने वाले पदार्थ दें, जैसे कि छाछ या लस्सी, ग्लूकोज तथा विटामिन सी। फॉल्स सीलिंग लगाने से तापमान को नियंत्रण में रखने के लिए मदद मिलती है। सीलिंग पंखों और सर्कुलेशन पंखों का उपयोग करें। फॉगर का उपयोग करें। अगर ब्रॉयलर हो तो गर्मी के दिनों में फॉगर का उपयोग करने से हवा का तापमान कम होता है। ऐसे महत्वपूर्ण उपायों को अपनाएं और गर्मी के मौसम में भी मुर्गियों का बेहतर पालन करें और ज्यादा मुनाफा कमाएं। गोदरेज एग्रोवेट, आपका भरोसेमंद सहयोगी।